बात से अनुरोध करता हूँ, एटलीस्ट कम से कम बिश्नोई समाज का कोई भी साथी प्लास्टिक के जो थैले हैं उनका उपयोग ना करें। इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और गुरु डम्बेश्वर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। जहाँ तक आपने प्लास्टिक के उपयोग न करने की बात की है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय विष्णु युवा संगठन ने अभी जो कपड़े के थैले होते हैं, जैसे हमें पृथ्वी सिंह जी अपने साथ लेकर चलते हैं हमेशा ही, उस प्रकार के थैले 2000 अभी अखिल भारतीय विष्णु युवा संगठन ने प्रिंट करवाए हैं, जो हम अगले मुकाम मालिक के मास में प्रिंट करेंगे लोगों को और एक संदेश देंगे कि कम से कम आप अपने घर से ये थैला अपने साथ जरूर लेकर निकले। बाजार में आप साथी लेते हैं, कोई भी सामान लेते हैं, अलग अलग पोषण बने होंगे अलग अलग सब्जी भाजी के लिए, तो इस प्रकार थैले वितरित करेंगे और कम से कम घर से वो थैले लेकर निकले और दुकानदार आपको पोषण में कोई चीज़ डालते रहते हैं तो उसके आप अलग डाल करके आपको पैसे नहीं चाहिए। कम से कम ये एक शुरुआत हो सकती है। आजकल शादी विवाह में हद से ज़्यादा डिस्पोजल का प्रयोग होने लगा है और हम खुद कर रहे हैं। हम अगर चाहें तो जहाँ पे बिश्नोई टेंट जो अपने भाई बंधु खोल के बैठे हैं उनसे हमें पिछली समय हमने गए भी थे मधुपुर में, हमारे बहुत से कितने भाइयों के टेंट की दुकानें हैं, उनसे अनुरोध किया था कि आप उनका कोई तकरीब के लेते नहीं करें, आपसे कोई ऐसी वस्तु जैसे गिलास होगी, प्लेट होगी, कटोरियाँ होगी, कोई ऐसे आइटम हो जो प्लास्टिक ना हो, कागज के रूप में या कोई ऐसी वस्तु जो मिट्टी में और जहाँ पे हम डालें बोल जाए नष्ट हो जाए, इन प्लास्टिक लंबे समय तक नष्ट नहीं हो पाता है। तो इसी बीच में अपने युवा साथियों को आशीर्वाद स्वरूप को सब देने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं श्री हेतराम जी, रिटायर्ड एसपी हैं जो हमेशा युवाओं का मार्गदर्शन उनको मिलता रहता है, बहुत ही ऊर्जावान मंत्रव्य है वो हमेशा युवाओं के बीच में अपना रखते रहते हैं। तो मैं दो दैनियों के साथ बैठे हैं युवा भाई, अरे पढ़ाई से आदमी गरीबी से निकल सकता है, पढ़ाई को ना भाई बांट सकता है ना चोर छुआ सकता है, इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। जैसे उर्दू में एक कहावत हम सुनते थे जब बताते इलम को तुझी रह भर जानो, इलम तुझी बच्चिया नो इलम पढ़ाओ, इलम नो तुझी रह भर जानो, मतलब इलम को शिक्षा को भगवान के बराबर समझना चाहिए। तो इसलिए आप बच्चों को अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दिलाए और बच्चों को आजकल खेलने की तरफ भी पूरा ध्यान देना चाहिए। यहाँ इधर से आप गंगानगर तक जाओ, सड़कों में कोई खिलाड़ी बच्चा दौड़ता नजर नहीं आए। आप हिसार से भिवाणी जाओ, हिसार से दिल्ली जाओ, सड़कों में अखाड़े बने हुए हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। अरे 3-3 करोड़ रुपया मिलता है, अभी कितनी बड़ी अच्छी बात है। हमारे जमाने में तो एक आना नहीं देते थे। मैं भंगड़े की टीम में था, हमारी भंगड़े की टीम पंजाब में फर्स्ट आई। भंगड़ा उस टाइम पंजाब गुड़गांव से लेके गुरदासपुर तक था, कोई उस टाइम को पूछता नहीं था। आज कितनी कदर है, इससे नौकरी अच्छी क्लास वन जो मिलती है 3 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो इसलिए गांव में बच्चों को पढ़ाई की तरफ लगाओ, पढ़ाई के बाद खेलों की तरफ लगाओ। और जो नशा है, अभी कहीं सुनने में आ रहा है गाँव में बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, ये बड़ी गंदी आदत बच्चों में पड़ गई। उधर रतिया फतेहाबाद जो पंजाब के साथ लगते हैं या परली तरफ सरसे के कुछ गांव में नशे की बहुत बीमारी है। आप बच्चों को ये युवा संगठन इसका खूब प्रचार करे कि बच्चों को नशे से दूर रखो, अपने बच्चों को पढ़ाई में लगाओ, खेल में लगाओ।
जो बच्चा छोटा ही खेल में लग जाएगा वो नशे की तरफ नहीं जाएगा। अगर पढ़ाई नहीं करता तो खेल में तो लगा है, खेल से आप दूसरे कॉम्पिटिशन में जाओगे, फौज में पुलिस में भर्ती हो जाओगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी आपको, पुलिस में भी अच्छी तनख्वाह है, फौज में बहुत अच्छी तनख्वाह है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर बार अभी सेना फौज के अंदर पहले बिश्नोइयों की रेजिमेंट थी, सेकंड वर्ल्ड वार तक बिश्नोइयों की रेजिमेंट थी, बाद में किसी वजह से उस गहराई तक मैं नहीं जाना चाहता, वो रेजिमेंट टूट गई। तो अब ये युवा संगठन अखिल भारतीय युवा संगठन जो है ये मेहनत करके वहाँ जाके दिल्ली में कुलदीप जी को या किसी और नेता को साथ लेके फौज के अंदर एक कोई रेजिमेंट का गठन करवाओ, नौकरी मिलेगी उसमें बिश्नोई भर्ती होंगे, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का, यूपी, हरियाणा, पंजाब, कितनी बड़ी अच्छी बात है। तो इसके लिए तीन बातें, पहली बच्चों को खेल की तरफ ध्यान लगाओ, दूसरा नशे से दूर रखो, तीसरा बिश्नोई रेजिमेंट के गठन के बारे में पूरा अखिल भारतीय बिश्नोई युवा संगठन पूरा जोर लगाए, इसके एक मुद्दे को लेकर चले। अगर ये मुद्दा बिश्नोई युवा संगठन कामयाब हो जाता है तो इनकी बल्ले बल्ले आने वाले टाइम में लोग कहेंगे कि बिश्नोई रेजिमेंट किसने खड़ी करी, बिश्नोई युवा संगठन ने। अरे कुछ साल पहले किसी ने भाई ने बिश्नोई मंत्र में एक बार आवाज उठाई कि हम युवा संगठन बनाना चाहते हैं, प्रधान बोलिया थे युवा संगठन को मेज चेक कर, दूसरे सभा चेक करेगी बोलिया थे युवा संगठन में आओ ले जाओ युवा संगठन। आज इन्होंने प्रवीण डामिया ने, दूसरे भाइयों लांबा साहब ने यकीन में मेहनत करके ये संगठन खड़ा किया, ये बधाई के पात्र हैं, बहुत अच्छी बात है। युवाओं को इसमें जोड़ो और उनको ये दो तीन बातें जो है इसमें अहम ध्यान रखने की जरूरत है, नशे से दूर करो, खेलों की तरफ बच्चों को जोड़ो, पढ़ाई भी करो। बिश्नोई भाई ये भी कैसी खाना खाते हैं, अच्छी खुराक है, दिमाग अच्छा है, यहाँ भी जाते हैं फील्ड में अच्छा काम करते हैं। राजस्थान का एक बिश्नोई था, पंजाब पुलिस का था, चैम्पियन थ्रो में एशिया में उसका नाम था। अब ये बिश्नोई खेलने में आई तो लड़की किरण है वो कॉमनवेल्थ में आई, इस बार एशिया में भी पहले राउंड में ही उसको नई बात बनी। तो ऐसे लोगों को जोड़ो, गांव में कुछ खेती इनको प्रोत्साहित करो, तुम गांव में जाओगे इनको कहो भाई खेल में लगो, जो पढ़ाई में नहीं चलता वो खेल में लगे, इनमें कुछ करना चाहिए। अभी और ये रेजिमेंट बढ़ेगी, अब फौज में कह रहे हैं 1 लाख, अभी आज कल ही खबर थी तो आर्मी चीफ ने कहा कि हम 1 लाख कट नहीं कर रहे, 1 लाख फौजी कम रहे, 13 लाख फौज है, 12 लाख कर रहे। तो इस बात पे अगर बिश्नोई युवा संगठन बढ़ेगा, बिश्नोई भाई भर्ती होंगे, लोगों को नौकरी मिलेगी, बड़ी अच्छी बात है। इसके साथ मैं प्रवीण जी का और बिश्नोई युवा संगठन का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए धन्यवाद करता हूँ, और सभी भाइयों ने इसे जो अच्छा इसमें सहयोग किया है, यहाँ आए ये बहनें भी आई, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रवीण जी को भी आना चाहिए था, बिश्नोई सभा का प्रधान है, सर के प्रधान है, क्यों नहीं आए, पहले भी एक बार आना चाहिए उनको, उस बार भी उन्हें कहा था आना चाहिए ना, ये सबका साझा प्रोग्राम है, थोड़ा चलने का है, अवस्था देवी कितनी मतलब कुर्बानी करी, पेड़ों की दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ये पेड़ों के लिए बिश्नोई मर जाए, आदमी मर जाए पेड़ों के लिए, इतनी बड़ी बात है। तो इसलिए इस बात के लिए प्रवीण डालिया और दूसरे सभी का मैं इस बार धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू वेरी मच, दुर्गम्बेश्वर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जतराम जी, जो कि आपने शिक्षा और खेलों के बीच बात की है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में अखिल भारतीय बिश्नोई युवा संगठन लगातार सेमिनार आयोजित कर रहा है, और हमारी कोशिश है कि उस तरह के कार्यक्रम और आगे बढ़ते रहें। और जो खेलों की बात है तो हमारे बीच में भाई सुरेश राजखड़ा से बैठे हैं, ये कई भी ट्रेन को पता है कि रांची कला में पिछले साल जोधपुर के पास एक राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता अखिल भारतीय बिश्नोई युवा संगठन ने आयोजित करवाई थी, और वो दूसरी प्रतियोगिता बहुत ही जल्द, अगर आप सभी संस्थाओं का बड़े बुजुर्गों का सहयोग रहा तो हरियाणा में हम आयोजित करने जा रहे हैं, बहुत ही जल्द इसी साल का दो हम कार्यक्रम आयोजित कर लें। लेकिन इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ, और सभी संस्थाओं जो समाज की कर्मचारी कल्याण समिति हो, सेवक दल हो, सभाएँ हो, जो भी है, इनका सहयोग बहुत ज़रूरी है, इनके सहयोग के बिना हम अकेले कोई भी कार्यक्रम को एक मुख्य रूप से, क्योंकि हमने जोधपुर में जो कार्यक्रम किया था वहाँ पे हमारे बिश्नोई समाज के बहुत बड़े बड़े भामाशाह हैं,
वो भामाशाह उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने हमारा सहयोग किया, तो कार्यक्रम सफल रहा। 3 दिन तक वहाँ लगभग 1500 की स्ट्रेंथ 3 दिन तक लगातार वहाँ पर रही थी। उनका खाना पीना और सब बहुत खर्चे होते हैं इस चीज़ में, तो उस खर्चे का वहन वहाँ के बिश्नोई भामाशाहों ने किया। हम उनका बार बार हर मंच पर उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक बिश्नोई युवा संगठन का मंच दिया कि आप लोग आइए, आप कार्यक्रम आयोजन करिए, आगे चिंता हम करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ की। तो वैसा विश्वास अगर हमको सभाओं से मिलता है तो हम बहुत ही जल्द एक राष्ट्रीय लेवल की खेल प्रतियोगिता अपने हिसार में आयोजित करेंगे, ऐसा आपको विश्वास दिलाते हैं। और इसी बीच हमारे बीच शहीद भगत सिंह युवा मंडल चौधरी वर्ग के सदस्य और प्रधान पहुँचे हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। शहीद भगत सिंह युवा यूथ मंडल है बुरसाल, उसकी भी टीम अभी हम आने वाली है, उनका फोन आया था प्रधान जी का। एक यूथ क्लब चौधरी वाली है, उनके प्रधान प्रदीप जी हमारे बीच में पहुँचे हुए हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। और जो भी सदस्य काफ़ी सदस्य हमारे बीच में आ रहे हैं, उनके भाइयों को मैं आज पहली बार मिल रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो भी आए हैं उनको दिल की गहराइयों से यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। और इसी कड़ी में मैं आगे अपने आशीर्वाद के दो वक्तव्य बोलने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री हंसराज जी को द्वारा, सेवक दल भगवत के प्रधान हुआ है, और आशीर्वाद के रूप में अपने दो शब्द हम युवाओं के बीच में रखे हैं। हंसराज जी, बोले गुरु जम्मेश्वर भगवान की जय। बड़े मान सम्मान के साथ आप माता अमृता देवी के यादगार में उपवास जो रखा है, युवा सम्मेलन का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और साथियों से, युवाओं से गुजारिश करता हूँ कि हमारी, जैसे हेतराम जी ने अभी अभी बताया कि युवा पीढ़ी, कई जो हमारे युवा हैं उन नशे की ओर है, उनका ध्यान आकर्षित है, तो हम युवाओं को और उन सभाओं को मिलके इस नशे के विरोध में भी चलना चाहिए। चाहे नशा मुक्ति केंद्र हो, कैसे हमारे युवक भटक रहे हैं, तो उनको नशा जरूर छुटवाना चाहिए। और साथियों, आज जो हमारा ये कार्यक्रम है, ये दुनिया में अनोखा कार्यक्रम, माता अमृता देवी जिन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान किया, ये दुनिया की पहली मिसाल है। तो 363 बिश्नोई शहीद हुए, लेकिन आज हम वृक्षारोपण करके माता अमृता देवी को श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि कि हर वर्ष हम वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाकर माता अमृता देवी को श्रद्धांजलि के रूप में पेश करें। और युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बिश्नोई युवा आगे आए, तभी हमारा सच्चा श्रद्धांजलि माता अमृता देवी को होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बोले गुरु महेश्वर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हंसराज जी। इसी कड़ी में हमारे बीच श्री दुनीचंद जी भाटी और उनकी टीम पहुंची है, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए कि हम ये हमको आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच कृष्ण जी मेल हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं जिनको आमंत्रित कर रहा हूँ वो युवाओं के लिए हमेशा एक प्रेरणा के रूप में हमारे साथ खड़े रहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से इनका आशीर्वाद हम युवाओं को बार बार मिलता रहे। श्री सुबिन दास जी, मास्टर जी ये आएँ और अपने वक्तव्य अपने आशीर्वाद के रूप में दो शब्द हमारे बीच में रखे हैं। एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। श्री सुबिन दास जी, बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आदरणीय प्रवीण जी, उनकी टीम, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, अन्य समाज के भी हमारे व्यक्ति जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित व्यक्ति आए हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। आज का ये जो आयोजन है, जमानी साहित्य एक परीक्षा चला रही है, समाज को पता है कि हर साल परीक्षा ले रही है बच्चों को कि समाज के बारे में, धर्म के बारे में विद्यार्थियों का ज्ञान हो। मैं समझता हूँ
कि युवा साथियों ने ये जो बीड़ा उठाया है, हम पैरेलल कि इसमें कोई प्रतिद्वंद्वता नहीं है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि अगर ये लाइन आपके आगे चली तो आप सभी पर छा जाओगे। इस बात में इतना आकर्षण है कि ये गांव-गांव में बड़े आपको इस चीज में रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आगे फील्ड में भी आप बढ़ाएंगे। और मेरी ओर से ये मैं बड़ा मतलब प्रेरित होता हूँ जब भी युवाओं को मैं सुनता हूँ। कोई भी नेट पर मैं गतिविधियाँ देखता रहता हूँ और पहली उंगली मेरी चलती है इनके लिए। मैं एक अदृश्य व्यक्तित्व जो हूँ, जो कुछ अगर सामने आके न कर सकूँ तो पीछे से इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तो कहीं भी कोई शारीरिक आवश्यकता पड़े तो मैं हर समय युवाओं के लिए तैयार हूँ। इतना ही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपका आशीर्वाद हमेशा सभी युवाओं को, अकेले ये अखिल भारतीय विष्णु युवा संगठन को नहीं, समाज की चाहे कोई भी युवा संस्था हो, कोई भी क्लब हो, सभी को इनका आशीर्वाद हमेशा समय समय पर मिलता रहता है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री धोनीचंद जी भाटी को, वो आएँ और आशीर्वाद के रूप में दो शब्द हमारे बीच में रखें। श्री धोनीचंद जी भाटी, चंबेश्वर महाराज की चरणों में शीश झुकाते हुए, माता अमृता देवी जी के चरणों में शीश झुकाते हुए, मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ। और ये तो एक बड़े हर्ष की बात है, किसी एक समाज की बात नहीं है। गुरु सभी समाजों के होते हैं और गुरु महाराज ने जो पर्यावरण के विषय में जो जानकारी दी, आज विश्व के अंदर सारे देशों के अंदर पर्यावरण के विषय में चल रहा है। अब वो अर्थ मूवमेंट एक चली हुई है, फ्रांस के अंदर बहुत से देश उसके अंदर सदस्य बने हुए हैं और अमेरिका ने उसमें कहा था भाई हम इसके सदस्य नहीं बनेंगे, तो भारत ने अपना कड़ा विरोध भी जताया था। तो आज जो भारत पर्यावरण के ऊपर विरोध जता रहा विश्व के अंदर, वो गुरु महाराज की ही देन है, गुरु जम्बेश्वर महाराज की देन है। सैकड़ों वर्ष पहले गुरु महाराज ने ये कहा था, पर्यावरण को बचाएंगे तो जीवन बचेगा, पर्यावरण नहीं रहेगा तो जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। और खेजरली के शहीदों की गाथा तो बहुत अमर है, मैंने एक बार नेट पर देखा था और एक बार एक किताब मेरे हाथ में लगी थी, चौधरी भजनलाल जी ने भी एक बार किसी स्मारक का खेजरली के ऊपर उद्घाटन भी किया था। तो मैं बहुत ही प्रभावित हूँ और मैं गीता का विद्यार्थी रहा हूँ। सुभाष मेरी ये सारे सबको पता है, चमेश्वर गीता भी मैंने पढ़ी है, चौधरी साहब के कोठी से मैं ले गया था। धार्मिक ग्रंथों का पढ़ने का और मुझे हमेशा से ही रुचि रही है। तो मैं विष्णु समाज का भी बहुत बड़ा आभारी हूँ और आज जो इस प्रोग्राम के जो आयोजक है उन्होंने ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और जो जगह का चुनाव किया है ये भी बहुत ही उत्तम जगह है। यहाँ पीछे शहीद स्मारक बना हुआ है और इस उपयुक्त जगह हिसार के अंदर कोई हो नहीं सकती। तो मैं चाहता हूँ कि भी ऐसे प्रोग्राम साल के अंदर 2-3 बार अवश्य किए जाए, किसी भी दिन, किसी भी अमावस्या को या गुरु महाराज का जो भी दिन हो उस दिन पर ऐसे आयोजन समय समय पर होता रहे। तो मैं प्रीति सिंह बेनीवाल जो मेरे भतीजे हैं, मैं इनके गांव से हूँ, तो ये भी इस विषय में बहुत कुछ कर रहे हैं और एक बहुत बड़े लेखक बन गए। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनका नाम हुआ है और एक दो स्टेज के ऊपर मैंने इनको सम्मानित भी किया है। ये बेल के अंदर बहुत बड़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है BRCM, उसके अंदर भी प्रीति सिंह जी सम्मानित हो चुके हैं। तो गुरु महाराज के ऊपर कोई भी आदमी चलेगा वो अपना नाम भी कमाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय गुरु महाराज, जय खेजरली।
बहुत बहुत धन्यवाद भाटी साहब का। जैसा कि उन्होंने बताया, ये आयोजन अकेले बिश्नोई समाज का नहीं है। हमने निमंत्रण सिर्फ बिश्नोई समाज को नहीं, समाज की सभी संस्थाओं को दिया था, क्योंकि पर्यावरण की जरूरत अकेले बिश्नोई समाज को ही नहीं है थी। बिश्नोई समाज को सिर्फ पर्यावरण की जरूरत है, बाकी किसी समाज को पर्यावरण की आवश्यकता नहीं है। ये पर्यावरण की लड़ाई सभी संस्थाओं को, सभी समाज को मिलकर लड़नी पड़ेगी। तो कहते हैं कि किसी भी पुरुष या स्त्री अपना जब श्रृंगार करती है तो उसको कुछ आभूषणों की आवश्यकता होती है। कोई किसी प्रकार, जैसे हमारे युवा लड़के आजकल एक ट्रेंड बना हुआ पजामे कुर्ते का, महिलाओं को गहने का, उसी तरह ये जो पृथ्वी है इसके आभूषण ये पेड़ ही हैं। और आप चाहे पेड़ काट लो, विकास के बहाने काट लो, किसी बहाने भी काट लो, उन पेड़ों का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। भाई आप अगर पेड़ नहीं लगाओगे तो हम आप और कुछ कोई टेबलेट दे दोगे और दे दोगे, इससे इन पेड़ों की जो ऑक्सीजन आती है उसकी पूर्ति हो जाएगी। इनका दूसरा कोई विकल्प नहीं है, आपको पेड़ की जगह पेड़ लगाने ही पड़ेंगे। और अगर आप एक हरा भरा जो पेड़ खड़ा है उसको एक पेड़ को काटते हो तो उसके बदले अगर आप 100 पेड़ लगाते हो तो वो भी कम है, क्योंकि उन पेड़ों को तैयार होने में ना जाने कितना समय लगेगा, और उन पेड़ों की देखभाल करना, और उनमें से कितने पूर्ण रूप से तैयार हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, इसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा होता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अगली कड़ी में जिनको अंतरित करने जा रहा हूँ, भाई अमरदीप बिल्लिस गाँव से हैं, वो आएँ और चंद लाइनों में अपना वक्त रखें। भाई अमरदीप, बहुत ही आदर मान सम्मान के योग युवा दिलों की धड़कन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण धारणिया जी, पूर्व प्रधान सुभाष जी डेडू, निहाल सिंह जी गोदारा, आत्माराम जादूदा जी पटेल पूनिया जी और जगदीश कड़वासरा जी और अन्य मौजूद मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, सर्वप्रथम मैं आप सबका सर्वप्रथम मैं माता अमृता देवी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सबको मैं आज यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से युवा संगठन का सदस्य होने के नाते आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। युवा साथियों और पिता तुल्य बुजुर्गों, आज हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि आज अगर हम यहाँ मौजूद हैं तो वो सब कुछ देन किसकी है, युवा संगठन की देन है। अगर युवा संगठन ना होता तो हम आज इस प्रकार का कार्यक्रम हमारे हिसार ज़िले के अंदर संभव नहीं होता। हम सब वाकिफ़, हमें पता है कि किस प्रकार अमृता देवी ने अपने साहस और त्याग और तपस्या के साथ जो बलिदान दिया वो अपने आप में एक अपूर्ण मतलब एक अमिट छाप थी बिश्नोई समाज के लिए। उस घटना के पश्चात किस प्रकार मतलब बिश्नोई समाज आगे बढ़ा और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज हम इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि आज जो हमारा अमृता देवी माता अमृता देवी का जो बलिदान था उसको मतलब विदेशों के इतिहास के विदेशों के लोग जो आते हैं वो स्टडी करते हैं, फिर उनसे जब पूछा जाता है कि फिर भी वो भी अपने एक अद्भुत क्रियाकलाप बताते हैं। तो आज आप सब हमें इस अमृता देवी के बलिदान से हम सबको आज एक प्रेरणा लेनी होगी कि जो हमारी धरती का आभूषण है वृक्ष हैं और जो खासकर खेजड़ली जो हमारा पेड़ है उसको हमें बचाना होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस अमृता देवी के इस बलिदान के पश्चात राजस्थान सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने ना जाने कितनी घोषणाएं की और उनके पुरस्कार की घोषणा की, लेकिन हरियाणा राज्य के अंदर अभी तक मतलब अमृता देवी के प्रति कोई भी कदम नहीं उठाया गया सरकार ने। तो आज हमें ये मौका मिला है कि आज हम अमृता देवी के इस बलिदान के लिए राज्य सरकार में हरियाणा सरकार की को मांग उठाएं कि आज हम वो भी अमृता देवी के इस बलिदान को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करें और किसी विशेष प्रकार की पुरस्कार की घोषणा करें। युवा साथियों, आज संभव आज दिन है कि हम सभी आगे बढ़े। मेरे इससे पहले वक्ताओं ने भी युवाओं को जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो बताया, तो मैं एक बार फिर आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। जय भारत, जय माता अमृता देवी। इसी बीच हमारे बीच हिसार सभा के प्रधान श्री प्रदीप जी बनीवाल पहुंचे हैं, उनका जोरदार तालियों के साथ पर स्वागत कीजिए और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रदीप जी का कि वो कीमती समय में से समय निकाल कर हमारे बीच में पहुंचे। आप जितने भी भाई बंधु यहाँ बैठे हैं, आपके बीच में एक सिग्नेचर के लिए रजिस्टर आ रहा होगा, अगर आपका कोई सुझाव है युवा संगठन के लिए इस कार्य में या कोई भी कार्यक्रम जो पीछे हुए हैं उनमें आपको ये लगता है भी ये कमी है, इस कार्यक्रम में इस तरह से और सुधार किया जा सकता था,
तो आप इस रजिस्टर के अंदर नोट करवा सकते हैं, और अगर यहाँ पे आके अपना संबोधन देना चाहें, कोई सुझाव देना चाहें, तो ये मंच पूरा दिन आपके लिए खुला है, आपका स्वागत है यहाँ पे, आप आके अपने विचार रखें। मैं इसी कड़ी में युवाओं के लिए हमेशा एक ढाल के बन के खड़े होते हैं श्री आत्माराम जी जादूदा, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और अपने विचार युवाओं के लिए रखें। श्री आत्माराम जी जादूदा, बोलो। गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आदरणीय प्रवीण जी, वे आए हुए सभी मित्रों, आज अमरता देवी जी का जो बलिदान दिवस है उसके उपलक्ष्य में हमने यह एक दिन का जो उपवास का प्रोग्राम किया है, बहुत अच्छा कार्य है। मैं लगभग 30-40-50 सालों से जन्माष्टमी भी देखता आ रहा हूँ, सभी कार्यक्रम देखता आ रहा हूँ। मुझे हमेशा एक चीज़ जो है वो बहुत खलती है कि कोई भी कार्यक्रम हम शुरू करते हैं उसका टाइम हम निश्चित कर देते हैं, लेकिन उस टाइम के ऊपर हम सभी नहीं पहुँचते। तो आज भी मैं जब आया तो सुबह 9 बजे का टाइम इनका दिया हुआ था, तो 9 बजे जब मैं आया तो सिर्फ 5-7 आदमी ये थे, प्रवीण जी थे, 5-4 और थे, तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। तो इसलिए मैं ये बात कहे बगैर नहीं रह सकता कि मैं तो हमेशा ऐसा मेरा रहा कि जहाँ कहीं भी मुझे जाना हो, जहाँ कहीं भी मुझे कोई प्रोग्राम हो, तो मैं लगभग टाइम पे पहुँचने का प्रयास करता हूँ, देरी मैं नहीं करता। तो ये मुझे यहाँ खाली आगे से मेरा युवा संगठन से यही एक सुझाव है कि आप कोई भी प्रोग्राम कीजिए, टाइम हो उस टाइम को मतलब है कि आप ज़रूर ध्यान रखिए, जितने टाइम आपने दिया उस टाइम पर आपके सदस्य है या आपका जो भी है वो प्रोग्राम शुरू हो जाना चाहिए, यही मेरा आपसे सुझाव है। और आए हुए सभी महानुभावों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, हार्दिक करता हूँ कि उन्होंने आज इस मंच पर आकर शहीद अमरता देवी को और गुरु महाराज को नमन प्रणाम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आत्माराम जी, आपका सुझाव हमारे सिर माथे है। आज सुबह जब हम खुद पहुँचे हैं तो श्री जगदीश जी सबसे पहले व्यक्ति थे जो यहाँ पे बैठे हुए थे, हमारे संगठन के सदस्य भी नहीं पहुँचे थे, जब जगदीश जी यहाँ पे आके बैठ गए थे। ये कमी हमारी है, या सुबह कुछ उधमपुर की साइड में बारिश ज़्यादा थी इसलिए मैं खुद भी इस वजह से लेट हो गया, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, और आगे इस प्रकार की शिकायत का मौका आपको ना मिले ये भी मैं विश्वास दिलाता हूँ। इसी कड़ी में हमारे बीच में पहुँचे हुए हिसार सभा के प्रधान श्री प्रदीप जी बेनीवाल, जो हमेशा युवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और पिछली जन्माष्टमी को और इस जन्माष्टमी को इन्होंने युवा सम्मेलन का आयोजन करवाया, उसके लिए भी इनका एक बार फिर से धन्यवाद। और मैं आमंत्रित करूँगा प्रदीप जी बेनीवाल को, आएँ और दो शब्द आशीर्वाद के रूप में हमारे युवाओं के बीच में रखें। श्री प्रदीप जी, श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आज शहीद अमृता देवी के और जो 363 हमारे समाज के शहीदों ने जो बलिदान दिया था उसके उपलक्ष्य में आज हमने ये युवा अखिल भारतीय युवा संगठन ने जो उपवास कार्यक्रम रखा है बहुत ही सराहनीय है, और हम सब इसके अंदर शामिल हुए, मैं आप सबका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। जो आज विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा हर एक बात के ऊपर चर्चा होती है सिर्फ पर्यावरण की, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने सन 1730 के अंदर जो बलिदान दिया उसके लिए आज पूरा विश्व चिंतित है, और हमारे गुरु महाराज के आदर्शों पे हमारा समाज तो इसके लिए बहुत पहले से ही इस पर्यावरण के प्रति संप्रेरित था। तो ये अखिल भारतीय युवा संगठन का बहुत बढ़िया और सराहनीय कार्य है, तो इस सब में हम सब ने आप सब ने
जो इसके अंदर सम्मिलित होके जो आज ये उपवास का कार्यक्रम रखा है, आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आभारी करता हूँ, धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। और आज जो हमको ज्ञापन देना था, उस ज्ञापन के लिए पहले तो डीसी साहब का यहाँ हमारे बीच आने का प्रोग्राम था, लेकिन मीटिंगों का दौर होने की वजह से और व्यस्त का रकम होने की वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए। इसलिए उनका मैसेज आया है कि आप समाज के प्रतिनिधि ज्ञापन लेके ऑफिस में पहुँचे। तो मैं अनुरोध करूँगा श्री प्रवीण जी धनिया से, प्रधान प्रदीप जी बनवाल से, सुभाष जी देड़े से, निहाल सिंह देवरा जी से, SP हेतराम जी से, कि समाज के कुछ गणमान्य व्यक्ति ऊपर जाकर जो हमारी मांगे हैं वो मांगे डीसी साहब के सामने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए देके आए। श्री भाटी साहब से भी निवेदन करूंगा कि वो भी इस मांग के लिए श्री पृथ्वी सिंह जी बनवाल वो भी प्रधान जी के साथ जाएं।